हेलो एवरीवन, आई मिसेस अनुपमा गुप्ता फ्रॉम सेंटेंस को हेड हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 4। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 इज रीड एंड लव, मीन्स पढ़ो और हंसो। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद सबको हंसी आएगी, इसलिए इसका चैप्टर का नाम ही हम रखा हुआ है कि पढ़ो और हंसो, रीड एंड लव। ये इससे है, ये एक बादशाह होता है, एम्परर होता है, जो कि सभी जानते हैं बादशाह राजा होता है जिसको किंग बोलते हैं, और जो मोमेडियंस होते हैं उनके लोगों को बादशाह बोलते हैं, जो कि बगदाद में है। कहाँ पे है? बगदाद, जो एक स्टेट है उसमें है, और उसका एम्परर है। तो वो क्या अपनी पूरी सभा में बैठा रहता है, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो वो चाहता है, अपने सब मंत्रियों से बोलता है कि हमको अपने अकाउंट के लिए, अकाउंट सभी जानते हैं लेखा जोखा जो अपने उसका होता है, लेखा जोखा करने के लिए हमको एक ऐसा अकाउंटमेंट चाहिए है जो कि क्या करेगा, उसमें जरा सी भी अकाउंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से एक मंत्री खड़ा होता है, बोलता है हाँ ठीक है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो मैं उसको लेके आता हूँ। वो उसको सभा में लेके आता है, तो उसका गवर्नर रहता है जो उसको लेके आता है। अब वो क्या करता है कि उस गवर्नर से बोलता है, कौन बोलता है? बादशाह, जो कि बहुत गुस्सैल एंग्री मैन रहता है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, आप अकाउंट का काम करोगे? वो बोल देता है यस मैं करूँगा। तो वो बादशाह क्या बोलता है कि तुमको ऐसा ही काम करना है कि मेरे अकाउंट में ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो यस कर देता है, बोलता ठीक है मैं आपको ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं करूँगा अपने अकाउंट में, और मैं आपको मंथली, हर मंथ जैसे ही मंथ एंड होगा मैं आपके पास वो अकाउंट का लेखा जोखा जो वो आपके सामने आपके दरबार पर रख दूँगा। तो वो बोलता ठीक है। आप जैसे ही मंथ का लास्ट होता है, लास्ट ऑफ द मंथ डे, तो वो आकर उसके पास क्या करता है, वो पूरा लेखा जोखा रख देता है, अकाउंट जो उसने तैयार किया होता है वो उसके सामने रखता है। अब वो बादशाह जो है देखता है, जैसे ही वो देखता है उसको एक मिस्टेक उसमें दिख जाती है। जैसे ही उसको मिस्टेक दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको बुलाता है अपने पास में, और ये बोलता है कि तुम कैसे हो, तुम तो डिसऑनेस्ट हो, मतलब तुम बेईमान हो, तुमने मेरे अकाउंट में, मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इसमें ये मिस्टेक तो हो गई है। अब वो जो गवर्नर रहता है वो क्षमा मांगता है कि सॉरी, मतलब बोलता है और मुझे माफ़ कर दिए, मुझे क्षमा करिए, गलती हो गई। बोला नहीं, इस गलती की जो सज़ा जो है वो तुमको तो मिलेगी क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बोला था और आप एग्री हो गए थे कि जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद ही मिस्टेक हुई है। तो अब आपको क्या करना है, उसको पनिशमेंट में क्या देता है पता है? उसको पनिशमेंट में ये देता है कि जितना भी जो ये अकाउंट है का जो पन्ने हैं वो आपको ईट क्या है, आई विल पनिश यू, यू हैव टू ईट ऑल द पेजेस ऑफ बुक अकाउंट, अकाउंट के जो पूरे पन्ने हैं, आपने करी गलती एक ही दो की है लेकिन आपको पूरे जो अकाउंट के पन्ने वो आपको ईट करना, पूरे खाने पड़ेंगे। अब कोई भी व्यक्ति हो ऐसे पन्ने कैसे खा सकता है? तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बहुत क्षमा करता है, बहुत क्षमा मांगता है, मतलब कि मुझे इस गलती के लिए क्षमा करिए है, और मैं कैसे, वो बोलता सबसे पहले उसे बोलता है मैं कैसे ईट, मतलब खा कैसे सकता हूँ ये पेजेस। तो वो जो एंग्री मैन बादशाह रहता है वो बोलता है ये तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कि कैसे खा पाओगे, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब उसके पास कुछ और उपचार भी नहीं रहता है, बोलेगा अब क्या करें, तो वो क्या करता है उसको वो मतलब खाना पड़ते हैं, तो वो पूरे पेजेस खा जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि नहीं, अब मेरे को बादशाह बोलता है, फिर मंत्रियों में सभा बुलाता है और फिर बोलता है कि मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए कि जो फिर भी मिस्टेक नहीं कर रही है, तो बेकार निकला, इसने तो गलती कर ही दी है इसको। तो दूसरा फिर बोलता है कि हाँ मैं एक अपने टाउन में, अपने नगर में एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा होशियार है, उसको मैं आप कहें तो लेके आता हूँ आपके दरबार पे। तो वो बादशाह जो बोलता है हाँ बिल्कुल लेके आओ। तो वो लेके आता है, जो कि क्या रहता है, मुल्ला नसरुद्दीन, उसका नाम क्या रहता है, मुल्ला नसरुद्दीन। वो बहुत एज तो में काफ़ी रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है, बहुत होशियार रहता है। तो वो उसको लेके आता है, तो उसको इसके सामने भी यही बादशाह जो है वो यही रखता है, अपनी शर्त रखता है कि आप तुम अकाउंट का काम तो करोगे लेकिन उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करता है मुल्ला नसरुद्दीन कि बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी, और वो भी मैं आपको पहले जैसे ही मैं काम करूँगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। अब जब जैसे ही मंथ का एंड होता है तो मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया जाता है दरबार पर बुलाया जाता है, और बोलते हैं कि बादशाह बोलते हैं लाओ कहाँ है अकाउंट का जो तुमने लेखा जोखा बनाया है। तो वो दिखाता है, अब वो क्या रहता है, वो लेखा जोखा देखना किस में लिखा रहता है, वो एक ब्रेड के टुकड़े में, ब्रेड का जो होता है ना रोटी के टुकड़े में करके उसमें सारा अकाउंट्स वो लिखता है। तो वो ऐसे उसके सामने वो रोटी के पीसेस रख देता है, तो वो एकदम से जो बादशाह रहता है वो बहुत गुस्सा होता है, बोलता है अरे ये तुमने कैसे, वो ये क्या है, बोलता है ये आपका अकाउंट है।
बोला ये अकाउंट कैसे हो सकता है, ये तो रोटी का टुकड़े में आपने लिखा है। बोला हाँ, इसलिए कि मान लीजिए जैसे कि एक गवर्नर से मिस्टेक हुई थी तो आपने क्या किया था, उसको पूरा खाने के लिए बोला था। तो अगर मान लीजिए मेरे से भी कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो आप मेरे को भी ये खाने को बोलोगे, तो मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, मैं तो इतना ओल्ड मैन हूँ, तो मैं शायद ही ये आपका पेजेस नहीं बचा पाऊँगा, इसलिए मैंने इसमें सारा अकाउंट लिखा है कि अगर मिस्टेक हो भी जाएगी तो आप मेरे को खाने को कहोगे तो मैं वो इजीली उसको खा सकता हूँ। तो बादशाह बहुत हंसता है और दरबार के सभी लोग बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं कि देखो इतना बूढ़ा और उसके पास इतना दिमाग है, मतलब इतना इंटेलिजेंट है ये कि इसने ऐसा किया। और बादशाह उसको थोड़ा अच्छे से मतलब पीठ में उसके हाथ रखता है और वो खुश होता है और उसको बोलता है ठीक है आप बहुत एजेड हो इसलिए मतलब मैं आपको इस काम से आपको रिलीव करता हूँ, आपको यहाँ से मतलब ये काम आपको करने के लिए नहीं देता हूँ क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स से जाके कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल को दबाएं। थैंक यू।